मनोजवं मारुति दुर्लभेकं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम उपस्थित हैं मकर राशि वालों के भविष्य फल को लेकर। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन जो होने जा रहा है, कर्क राशि में सूर्य का परिवर्तन हो रहा है और करीब करीब 31 दिन तक ये परिवर्तन रहेगा। 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक के बीच में ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए क्या करने वाला है। देखिए मकर राशि वालों, सूर्य जो है आपकी राशि में के अनुसार से अष्टम भाव के मालिक हैं। ये अष्टम भाव जो है विशेष तौर पर समझें, अष्टम भाव में सूर्य की राशि पड़ी हुई है सिंह राशि, और वो इस वक्त जो सूर्य हैं वो सप्तम भाव में जा रहे हैं। सप्तम भाव में सूर्य यानी आपके लग्न के बिल्कुल सम्मुख आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको एग्रेसिव बना सकते हैं सूर्य। और विशेष तौर पर समझें कि ये जो अष्टम भाव जो है वो विशेष तौर पर भाव है मिस्ट्री का, अष्टम भाव है बंधन का भाव, और सप्तम भाव जो है वो जीवन साथी का भाव है, व्यापार का भाव है, युद्ध का भाव है, जुए का भाव है, इंडस्ट्री का भाव है, और ये कई प्रकार के बड़े इंपॉर्टेंट स्थान को रिप्रेजेंट करता है। और सूर्य सप्तम भाव में आना, लग्न को देखना, व्यक्ति विशेष तौर पर थोड़ा सा एग्रेसिव बना देता है, व्यक्ति को क्रोध ज़्यादा बना देता है। तो ऐसे में क्या कुछ करने के योग हैं, 16 जुलाई को परिवर्तन होगा। ये 16 जुलाई को रविवार भी है, संक्रांति रविवार की पड़ रही है, तो संक्रांति रविवार को पड़ती है तो हृदय नाम का योग बनता है। उस दिन सूर्य को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया उपाय बनता है। कहा जाता है कि सूर्य संबंधित यदि किसी कुंडली में योग है तो जब भी हृदय नाम का योग बने तब व्यक्ति को खास उपाय कर लेने चाहिए। सूर्य को अर्घ देना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए, गायत्री का पाठ कर लेना चाहिए, गायत्री का यज्ञ कर लेना चाहिए। कहा जाता है कि समस्त सूर्य के दोषों को दूर करने के लिए ये खासतौर पर जो हृदय नाम का योग होता है, संक्रांति और रविवार का योग होता है, बड़ा अद्भुत माना जाता है। इसका लाभ व्यक्ति को लेने का प्रयास करना चाहिए। और बाय चांस इस बार तो संक्रांति ही इस जो पड़ रही है वो हृदय नाम के योग पर रविवार के दिन पड़ रही है, तो ये योग बहुत तौर पर लाभ की स्थिति बनाने वाला है। ऐसे में इसका लाभ लेते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योग अयोग बहुत विचित्र प्रकार से बना हुआ है, तो आप इसका लाभ लेने का अवश्य प्रयास करें। ग्रहों का योग अयोग साफ तौर पर दिखा रहा है कि आपके जीवन में विशेष तौर पर यदि हम बात करें क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा, तो ऐसे में सबसे पहले एक काम कीजिएगा, अभी हृदय नाम के योग की बात शुरू हो गई तो उसको पूरा कर लेते हैं पहले। तो कम से कम 16 तारीख को सुबह रविवार के दिन जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें सूर्योदय से पहले, और फिर हाथ में लोटा लीजिए, तांबे का लोटा, उसमें जल लीजिए, थोड़ी सी रोली डालिए, एक पीला पुष्प डालिए और ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः, ऐ सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकरम भास्कराय नमः सूर्याय नमः, या गायत्री का पाठ करते हुए या ओम सूर्याय नमः ओम भास्कराय नमः दिवाकराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दें, उनका तेज का दर्शन करें। सुबह सुबह सूर्य ना उठाए आपको, आप सूर्य को उठाएं, यानी आप कोशिश ये करें सूर्योदय से पहले उठें और फिर भगवान सूर्य का दर्शन करके देखिएगा बहुत सारे कष्ट दूर करने के योग बन जाएंगे। ये हृदय नाम का योग बड़ा विरला है और इसका लाभ आप ले सकते हैं। बड़ी मुश्किल से योग बनता है कभी कभी, तो बाई चांस बहुत सुंदर समय में बन रहा है योग। और इसलिए बोल रहे हैं हम आपको क्योंकि ये तिथि जो है ना, इस बार बड़ी विचित्र है, ये बहुत रेयर पड़ती है इस बार तिथि। जो इस बार जो सूर्य के परिवर्तन हो रहा है, और हम बात करें कि 16 जुलाई को जो सूर्य का परिवर्तन हो रहा है कर्क में और फिर 17 अगस्त को जो परिवर्तन होगा सिंह राशि में, इसके बीच में जो समय पड़ रहा है वो मलमास का पड़ रहा है। ये मलमास जो है विशेष तौर पर सावन में इस बार पड़ गया है, और सावन में पड़ने के कारण से कई पुण्यों का उदय करने वाला है, कष्टों को दूर करने वाला है, और भोलेनाथ की कृपा से आप समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। अब समझे क्या कुछ प्रभाव हुआ इसका, वो तो सब बताएंगे, उपाय तो हम बताएंगे, लेकिन पहले प्रभाव समझ लें क्या कुछ सूर्य करने वाले हैं। सूर्य कर्क राशि के होगा, सप्तम भाव में जा रहे हैं, और कहा जाता है कि जब कर्क राशि में सूर्य जाते हैं गोचर करते हुए और मकर राशि वालों के संबंध में सप्तम भाव में योग बनाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनकी शिक्षा को अच्छा, शिक्षा के लिए पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ने के लिए अच्छा योग बनता है, यानी उन्नति अच्छी करने के योग बनते हैं। जो लोग डॉक्टर हैं, मेडिकल लाइन में काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल खासतौर पर वकील हैं, लाइजन का काम कर रहे हैं, कमीशन का काम कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत उन्नति का योग बनाने वाला है, धन आगमन होने का योग बनाने वाला है, यश प्राप्ति का योग बनाने वाला है, खासतौर पर ऐसे क्षेत्र में, और खासतौर पर यात्राओं का योग भी बना सकता है, ये यात्रा से सुख प्राप्ति का योग बना सकता है, और खासतौर पर जीवन साथी के साथ ऐसा योग बनता है कि जीवन साथी से आपको उसकी योग्यता का लाभ मिलेगा, जीवन साथी आपके बहुत सारे कार्यों को पूर्ण करने में लाभ दे सकता है आपको, इस बात का भी ध्यान
चिंता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनके लिए स्वास्थ्य के मामले में इस समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, तो हर मामले में थोड़ा ध्यान रखते हुए उनके स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए समय अच्छा दिखाई देता है, उनके रिलेशंस उनके ऑफिस में अच्छे दिखाई बन सकते हैं, जो थोड़ी सी खटपट चल रही थी वो भी दूर हो सकती है। लेकिन मित्रों के साथ थोड़ी खटपट होने के योग दिखाई देते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। संतान के लिए खासतौर पर थोड़ा समय भारी रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये समय जो विशेष बात कर रहे हैं हम कर्क विशेष तौर पर मकर राशि वालों के लिए, थोड़ा सा दोस्ती साफ संभलते हुए कार्य करने का प्रयास करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थोड़े परेशान कर सकते हैं और उन वो लांछन लगाने के योग बना सकते हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा योग भी बनता दिखाई दे रहा है। शुभ अशुभ दोनों की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं, तो थोड़ा बैलेंस होकर काम करें, क्रोध ना बढ़ने दें, क्योंकि सप्तम में जब सूर्य आते हैं और सामने देखते हैं तो वो उन दोनों थोड़ा एग्रेसिवनेस बढ़ा देते हैं, एंजाइटी बढ़ा देते हैं, तो उसको भी ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर क्या किया जाए ऐसे में, मैंने जैसे कहा कि हमने विशेष तौर पर भगवान शिव का महीना चल रहा है, सावन का महीना, शिव के नित्यपति पूजा करें, शिव का नित्यपति बिलपत्र, शिव को बिलपत्र अर्पित करना। आपकी राशि जो है वो कर्क विशेष तौर पर मकर राशि है, तिलों के द्वारा भगवान का अभिषेक, तिलोदक काले तिल लेकर एक जल में नित्यपति भगवान का अभिषेक ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए, त्रया त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान मृत्युर्मुखी मामृतात, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान का नित्यपति अभिषेक करें। बहुत सुंदर उपाय है, इसके द्वारा कष्टों को दूर करने का रास्ता आपको बहुत सुंदर तरीके से प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा हमने तो विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है, पूरे 30 दिन तक के लिए रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है जो शाम को 6 बजे से चलेगा। भगवान शिव का बहुत बड़ा काले रंग का एक शिवलिंग हमारे आश्रम पे हमने स्थापित करा हुआ है और उनका नित्यपति पूजन होता है, और इन मलमास में खासतौर पर पुरुषोत्तम मास में एक विशेष रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है जो पूरी दिन चलेगा, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। नित्यपति रुद्राभिषेक रहेगा शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब 8:30 बजे तक, आप आइए उसमें सम्मिलित हों। दूध के द्वारा, दही के द्वारा, घी के द्वारा, शहद के द्वारा, भस्म के द्वारा, इच्छा खासतौर पर गन्ने के रस के द्वारा, समस्त औषधियों के द्वारा सुंदर तरीके से भगवान का अभिषेक किया जाता है, और उसका दर्शन कर लेने मात्र से, रुद्राष्टाध्याय का पाठ श्रवण कर लेने मात्र से बहुत सारे भगवान की कृपा प्राप्ति की योग बन जाती है। और ऐसे में पुरुषोत्तम मास में ये योग बन रहा है और हमें इसका लाभ लेना चाहिए। जो लोग भाग लेना चाहते हैं वो अपना स्थान आरक्षित करके इसमें अवश्य भाग लें, कल्याण होने के योग बनेंगे। हमने कोई शुल्क नहीं रखा है इसमें, जो लोग आना चाहें सब आ सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। और साथ साथ जो लोग बहुत दूर हैं उनके लिए यदि आप वो नहीं आ पा रहे हैं और वो करना चाहते हैं, उसमें भाग लेना चाहते हैं, तो योग्य ब्राह्मणों के द्वारा उनका नाम संकल्प करके उसकी व्यवस्था भी है, लेकिन उसके लिए शुल्क है, तो उसके लिए आपको स्थान आरक्षित कराना पड़ेगा। वो फ़ोन नंबर्स पर आप पूरा स्थान आरक्षित कर डिटेल जानकर आप स्थान आरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद।